नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे अपन बेडरूम में कौन सी टाइल लगा सकते हैं। जी हाँ, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी और उपलब्ध भी मिलती है। चलिए बात करते हैं अपन टाइल्स की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ये बेडरूम है, आप देख सकते हैं डबल बेड लगा हुआ है और सामने विंडो देख सकते हैं और एक गेट बालकनी में जाने के लिए ये गेट है और जस्ट डबल बेड के सामने एक छोटी विंडो और दे रखी है और वहाँ पर देख सकते हैं फर्नीचर बनवाया हुआ है। बात करते हैं आज स्पेशल अपन टाइल्स की। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा 2x2, 4x2 या अन्य बड़ी प्रकार की साइज की टाइल्स भी आप फ्लोरिंग में लगा सकते हो, लेकिन एक वुडन टाइल्स अगर आप लगाते हो तो क्या लुकिंग रहता है, इसके ऊपर अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2x2 की ये वुडन है, जिसमें आपको जॉइंट भी नहीं नज़र नहीं आता। वुडन टाइल्स की सबसे बड़ी ये विशेषता है, जब भी आप जिस भी डिज़ाइन की आप टाइल्स लेते हो तो आपको जॉइंट नज़र नहीं आते और बेडरूम में बहुत ही शानदार लुक रहता है। और वुडन इसलिए भी ज़्यादा लगता है क्योंकि अमूमन आपका मकान हो या फिर किसी अन्य का आप बेडरूम बनाए तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कपाट और भी अन्य प्रकार की जो फर्नीचर रहती है, तिजोरी रहती है, फर्नीचर बनवाते हैं वो भी वुडन में लगवाते हैं, तो पूरा लुक वो है वो अलग रहता है। तो आप देख सकते हैं दरवाजे की जो चौखट है, दरवाजे जो बनाए हुए हैं और जो फर्नीचर बनाए, टीवी यूनिट बनाई हुई है, सेल्फ लगाई हुई है, देख सकते हैं इसमें सभी का फर्नीचर लुक दिया हुआ है, तो एक अलग ही रूम नज़र आता है। बेडरूम बहुत अच्छा दिखता है दिखने में। तो आप भी अगर आप मकान बनाते हो तो इस प्रकार की वुडन एक चॉइस रहती है, तो आप भी इस प्रकार की वुडन लगा सकते हैं। वुडन में आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, बहुत सी प्रकार की डिज़ाइन आती हैं, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए वो लगाइए। देखिए, सबकी पसंद अलग अलग है, इसलिए आपको जो पसंद आए वो आप अलग प्रकार की डिज़ाइन आप लगा सकते हो। जैसा कि सेम मैच में वुडन के टाइल्स में फर्नीचर बनवाया हुआ है और अटैच बेडरूम के साथ ये मास्टर बेडरूम है, तो इसके टॉयलेट बाथ है, इसमें आप देख सकते हैं वुडन में ही, लेकिन जो चौखट है वो ग्रेनाइट की चौखट ली हुई है कोटला ब्लैक की, और जो दो विंडो दे रखी हैं उसमें भी ग्रेनाइट लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, बड़ी विंडो है जिसमें ग्रेनाइट की चौखट कोटला ब्लैक में ये बनाई हुई है, और इस रूम के दो विंडो दिए हुए हैं, दोनों में ग्रेनाइट की चौखट है कोटला की, जो मार्केट में आपको 6500-7000 रुपये में उपलब्ध मिल जाएगा। और ये जो बेडरूम है इसकी बालकनी का जो एरिया है इसमें भी ये वुडन टाइल्स का लुक दिया हुआ है, देख सकते हैं ये बाहर का पार्टीशन है, ये वाला बाहर का फॉर्म, तो इसमें भी वुडन टाइल्स ही दिए। आप भी ज़रूर वुडन लगाएं, आपका बेडरूम बहुत शानदार दिखेगा। और बात स्कर्टिंग करते हैं, तो इसी टाइल्स की स्कर्टिंग यहाँ पर लगाई हुई है, देख सकते हैं आप, इसमें दोनों काम हो सकते हैं, आपके वेस्ट जो टाइल्स बची हुई उसकी स्कर्टिंग भी आप लगा सकते हैं, तो वो भी बचत होती है। वो टाइल्स की मैचिंग के ऊपर वुडन लगाएंगे तो आपको वो लुक एक जैसा नजर आएगा, अलग से नहीं देखेगा। इसलिए बेडरूम में अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। आपको आगे भी बेडरूम में कौन सी टाइल लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए इसके ऊपर अपन बात करते रहेंगे। धन्यवाद।